ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना बड़ी अद्भुत की है। ये जितनी प्यारी है उतनी जटिल भी है। अगर इसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने इसका भेद जान लिया है तो उसको पागलखाने में डाल देना, क्योंकि वो पागल ही हो गया है। इस सृष्टि की क्रिएशन जिसने की, उसने उसमें इतने गहरे रहस्य छुपा दिए कि आप सभी रहस्यों को कभी भी ना ढूंढ पाओगे। हमारे से पहले खरबों 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 व्यक्ति इस धरती पे आ चुके हैं और जा चुके हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति धरती पे आए जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन वैज्ञानिक खोजों में गुजार दिया। उन्हें हम ऋषियों का दर्जा देते हैं, आज की भाषा में उन्हें साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। हमारी भाषा में वो ऋषि थे और हम उन्हें ऋषि ही कहते हैं। बड़ी से बड़ी खोजें की गई, बहुत दिशाओं से खोजें की गई, इसीलिए सभी प्रकार की खोजों के वास्ते अगर कोई व्यक्ति बोलने लग जाए जो आज तक खोजी गई हैं, तो करीब करीब असंभव सा जान पड़ता है। न्यूटन जिसे फादर ऑफ साइंस का खिताब मिला, जब वो मरने लगे आखिरी सांसों पर थे, तो उनके शिष्य उनके पास आए, बोले प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपने इतने महान काम किए, आपने इतनी महान खोजें की, आपने इतने रहस्यों से पर्दा उठाया, कृपया हमारे लिए कुछ संदेश छोड़ते जाएं। आप महान हैं, आपने अपना सारा जीवन लोक कल्याण हेतु गुजार दिया, ऋषियों से बड़ा लोक कल्याणार्थ जीवन कोई भी व्यतीत नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा दिया करते हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान पाए और वो जान गए। सो ऐसा मत समझना कि थोड़े से ये जो प्रयोग हमारी किताबों में मिलते हैं यही खोजे गए हैं। बहुत सी खोजें हुई और बहुत सी खोजें मनुष्य की मूढ़ता के कारण लुप्त भी हो गए। ज्यादा चर्चा ना करूंगा क्योंकि सवाल करवा चौथ का पूछा गया है कि ये इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और बहुत से व्यक्ति इसको पाखंड बताते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं, मस्तिष्क से तर्क निकलना स्वाभाविक बात है, लेकिन तर्क को कभी सत्य ना समझ लेना, तर्क को सत्य समझ लेना मूढ़ता के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं होता। इसलिए तर्क तो बहुत कुछ आएगा कि अगर ये व्रत रखने से आयु बढ़ती तो फिर कोई मरता ही नहीं, और न जाने क्या कुछ, ये पाखंड हैं, ये हैं, फला हैं, ये टिका हैं। आयु लंबी कैसे हो जाएगी, विधाता ने लिख दी है और वो विधाता को मानते भी नहीं,
जो ऐसा कमेंट करते पाओगे आप लोग, उन्होंने विधाता ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपने खोपड़े को जला रहे हैं। मस्तिष्क में एक बात आ गई, उन्होंने उल्टी कर दी। ये उल्टी है उनकी, सड़ियान से भरी हुई उल्टी। इनको पता बता कुछ नहीं, इनका कोई साइंटिफिक इतिहास नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन हमारे रोम कूप जिनमें से पसीना निकलता है वो थोड़ा खुल जाया करता है। देखिए सृष्टि की करामत, सिर्फ मंगलवार दिन। क्या रोम कूपों को पता होता है कि आज मंगलवार है? नहीं। ब्रह्मांड से हमारे प्लेनेट पे ऐसी तरंगे गिर जाती हैं जो हमारे रोम कूपों को खोल दिया करती है। ऐसे ही स्वर विज्ञान थे इडा पिंगला सुषुम्ना, ऐसे ही बहुत विज्ञान थे जो आज लुप्त हो गए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े रस्मों और रिवाज के तौर पे निभाए भी जाते हैं। उनमें से एक करवा चौथ का व्रत है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन, प्रत्येक महीने के देसी हिसाब से बता रहा हूं आपको, प्रत्येक महीने के चौथ के दिन अंधेर पक्ष में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन चौथ के दिन ब्रह्मांड में से निकल के हमारे प्लेनेट पे कुछ ऐसी तरंगें आया करती हैं जो कि जिनको पी लेने से आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। बहुत रहस्य की बात है, हमारे ऋषियों ने न जाने कितना तप करके इस खोज को खोज निकाला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्र ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ी रहस्यात्मक बात है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विशेषतया कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के सामने खड़ा हो गए। चंद्रमा की किरणों में जैसे सूर्य की किरणों में पौधों को जीवंत रखने की ऊर्जा होती है, क्लोरोफिल वगैरह बना दिया करते हैं पौधे सूर्य से तरंगे लेके, सूर्य से ऊर्जा लेके, एनर्जी लेके। ऐसे ही चंद्रमा की किरणों में बड़ी महत संभावनाएं छुपी हुई हैं जो हमें पता है। अश्वनी, इसे हम अश्व कहते हैं पंजाबी में, अश्वनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से लिखे, पूर्णमासी को लिखे, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसका व्याख्यान मैंने एनलाइटमेंट के भीतर भी किया था। अश्वनी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लिखे और कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तक ये जो चंद्रमा होते हैं, ये जो पांच चंद्रमा होते हैं, अश्वनी पूर्णिमा का चांद, कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया
तृतीया और चतुर्थी, ये पांच चंद्रमा बड़ी महत्व क्षमता को अपने भीतर समाये हुए हैं। इनकी अगर तरंगों को पी लिया जाए तो ये आप में अद्वितीय औषधीय गुणों का प्रवेश कर देते हैं, आध्यात्मिक संभावनाओं को जन्म देते हैं। ये शुरू होता है अश्विनी महीने से, पूर्णमासी के दिन से, और प्रतिपदा कार्तिक महीने की अंधेर पक्ष की, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तृतीया चतुर्थी। चतुर्थी के दिन चंद्रमा की किरणों में बड़ा महत्व क्षमता होती है, कैपेसिटी, ह्यूज वाइटल कैपेसिटीज आर देयर। उसमें आप जो भी सोचोगे वो पूर्ण हो जाएगा, बड़ा क्रांतिकारी सूत्र मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से जो नहीं मानते, ये बहुधा व्यक्ति नहीं मानते, परमात्मा की क्रिएशन बड़ी अद्भुत है। मैं बोल रहा था कि अश्विनी महीने की पूर्णमासी से लेकर कार्तिक महीने की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, ये पांच चंद्रमा ऐसे होते हैं जिन्हें देखने से मनवांछित प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ज्यादा असर वाला, या ऐसे समझो कि बाकी जो चार चंद्रमा है उनको छोड़ दें तो पांचवा जो चंद्रमा है, ये जिसे हम करवा चौथ के रूप में मनाती हैं, सुहागिनी, उसके भीतर अतुलनीय शक्ति है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की। मेरे इस प्रश्न को अच्छी तरह सुन लेना, जिन भी बहनों ने उपवास रखे, ऐसा नहीं है कि बहनें ही उपवास रखती हों, भाई भी उपवास रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने ये नहीं देखना है कि मेरी रोशनी के तले स्त्री कुछ मांग रही है या पुरुष कुछ मांग रहा है। इसलिए हमारे शहर में एक मिसाल है, एक व्यक्ति का परिवार करवा चौथ का व्रत रखता है, अपनी स्त्री की लंबी उम्र के लिए। उन्हें भी ना पता होगा कि इसका कारण क्या है, लेकिन उनके मन में कोई ईश्वर ने सुफुरना डाली होगी और वो परिवार करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि आप करवा चौथ वाले दिन पति या पत्नी की लंबी दुआ की कामना करें और वो पूर्ण न हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुधा स्त्रियां, तो मैं क्या समझाऊं, आज आपको ब्यूटी पार्लर्स की दुकान पर मिलेंगे। आदमी बेचारे श्रम करते हुए मुश्किल से शाम तक जितना पैसा कमाते हैं, औरतें ब्यूटी पार्लर के पास जमा देते हैं। ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली बहनें, भाई मुझे क्षमा करें, मैं आपके पेट के ऊपर लात नहीं मारने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बोलने से भी ये थमने वाली क्रिया नहीं है, निश्चिंत रहना। मैं बोल भी देता हूं तो ये थमने वाली नहीं है, क्योंकि मूढ़ताएं चलती ही रहेंगी, ये चलती ही रहेंगी,
कितने समाज सुधारक नहीं आ गए, कितने ज्ञानी पुरुष नहीं आ गए, नास्तिकता घटी, मूढ़ताएं घटी, तुम्हारे मूर्खपन घटे, तुमने इन मूढ़ मान्यताओं को छोड़ा नहीं, तुम छोड़ने वाले नहीं हो, मेरे कहने से कुछ होने को नहीं, लेकिन मैं तो एक तथ्य समझा रहा हूं आपको कि इस दिन जब मेरी बहनों ने माताओं ने व्रत रखे हैं तो चंद्रमा के सामने जाके जो सोचोगे वो पूर्ण होगा, छत के नीचे बैठने से सोचने से कुछ नहीं होगा, चंद्रमा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल दी, यह है क्रिया, उसकी रोशनी को अपनी बुद्धि के भीतर प्रविष्ट करना होगा, और क्योंकि बुद्धि के भीतर प्रविष्ट करने के लिए सबसे बुद्धि के पास जो हमारे सुराग हैं वो आंख है, आंख से करीब बुद्धि के पास कोई सुराग हमारे पास प्रकृति ने नहीं दिया है, कान भी थोड़ा दूर पड़ते हैं और कान देख नहीं सकते, आंखें ही देख सकती हैं, आंखों से मिलाना उस चंद्रमा को, चंद्रमा से नेत्र एक कर लेना, और चंद्रमा से नेत्र एक करके फिर मांगना क्या मांगते हो, और फिर देखना कि आपकी इच्छा पूर्ण होती है या नहीं, ये प्रयोग करके ही देखना, मेरे कहने से ही प्रयोग कर लेना, ये थी वस्तु स्थिति। लेकिन बहुत से व्यक्तियों ने बोला भी होगा, शायद आपने सुना नहीं होगा, आज ये एक रीति रिवाज बन के रह गया है, लेकिन थी ये एक साइंटिफिक प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया, कि आप इस चंद्रमा के सामने खड़े होके अगर कुछ मांग लोगे 100% आपका पूरा होगा, मांगने की श्रद्धा होनी चाहिए, इस बात को समझ लेना। हमारी पंजाबी में एक कहावत आती है, करवा चौथ का दिन था और कोई पंजाबी भाई अपने काम से थका मांदा आया थोड़ा दोपहर को, आया तो उसने अपने घर वाले से कहा, वो करवा चौथ का व्रत रखे हुए थी, तो उसे कहा कि जल्दी कर मुझे खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है, थोड़ी देर हो गई थी सब्जी नहीं बनाई, तो पुरुष उसके थोड़ा सा चीखा चिल्लाया कि सब्जी नहीं बनाई अब तक, तुम्हें पता नहीं मुझे काम बहुत है, बड़ा व्यस्त हूं। तो वो तो कहती कि अभी तक मैं तुम्हारा ही तो सेवा कर रही थी, अगर ऐसी धारणाएं रखोगे तो फिर आयु बढ़ने को नहीं है, शुद्ध भावना से चंद्रमा से आंखें मिला के चंद्रमा को देखना आवश्यक क्यों समझा गया, इसीलिए समझा गया कि चंद्रमा को देखने के बाद ही कुछ खाना है, शाम तक धारणाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी कि शाम तक सारे दिन जिसके बारे में सोचा है उसके बारे में दीर्घायु की इच्छा व्यक्त हो जाएगी, लेकिन आज तक तो आजकल तो ये होता है, ये तेल ठीक लगा है, ये फेस पाउडर ठीक है, ये लाली ठीक लगी है, ये कजरिया ठीक है, सारा दिन ऐसे ही सोचों में गुजर जाता है, ये लहंगा ये साड़ी ये सूट जचता है, ये केस ठीक संवार लिए हैं, ये आईब्रो ठीक बन गई है,
कहां पति की दीर्घायु की कामना। और फिर देखिए मजे की बात, ये लोग कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं भी रख सकते हैं। इसका अर्थ जाके मेरी बातों से भिड़ेगा, उनको भी मन वांछित वरों की प्राप्ति हो गई। तो फिर ये क्या हुआ? अगर पति की लंबी दुआओं की कामना करते हो उम्र की, तो फिर कवारी का तो अभी पति हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था। ये था उस चंद्रमा की विशेषता, कौन इच्छा करता है इस बात पे निर्भर नहीं करता है। पुरुषों को भी कामना करनी चाहिए, पुरुषों को भी उस चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। प्रत्येक पुरुष भी उस चंद्रमा के दर्शन करे और उस चंद्रमा की आंखों में आंखें डाल के मांगे जो मांगना है। उसके पास कौन सी समस्याएं नहीं है। तुम अपनी कर्ज मुक्ति मांग लो, तुम अपने गृहस्थ जीवन की सुखदमय भविष्य की कामना कर लो। ये सिर्फ लंबी आयु के लिए नहीं होता है, इसकी किरणों में कुछ अद्भुत खजाना भरा होता है। इस किरणों में कुछ ऐसा प्रभाव होता है जिसके बारे में मैं आपको कुछ बता तो नहीं सकूंगा, क्योंकि उसकी क्रिएशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं जानता अवश्य हूं, मुझे मेरे ज्ञान से अवश्य यह पता चला है कि जो भी व्यक्ति बच्चा भी खड़ा हो जाए, वो भी कुछ मांग ले, लेकिन आंखों में आंख डाके, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो मिट्टी है एक, बस कुछ वैज्ञानिक प्रोसेसेस घटित होती हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं उस दिन चंद्रमा के भीतर, जो कि अपनी किरणों को इस प्लेनेट पे फेंकती हैं और जो आपकी आंखों के जरिए आपके शरीर में आपके खून में प्रविष्ट हो जाती है। लेकिन आंखें मिलाना आवश्यक है, आंखों से आंखें मिलाना चंद्रमा के, ताकि उसकी किरणें आपके शरीर में संचरित होने लगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दर्शन किया और भाग आए, क्योंकि भूख बहुत लगी होती है। मैं उसको व्रत कम और भरत ज्यादा कहा करता हूं। सारे दिन में औरतें ठूस ठूस के पहले ही खा लेती, फल फ्रूट खूब छक लेती, काहे का हुआ, ये तो भरत हुआ, भर लिया आप पेट, खाली थोड़ा छोड़ा। लेकिन व्रत सिर्फ रखा गया था कि आप बार बार याद कर सको कि किसे लिए रखा गया है, और वो ही इच्छा आपके मन में घूमती रहे और चंद्रमा के आगे वो प्रस्फुटित हो जाए। घूमती 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 जब चंद्रमा को देखो तो प्रस्फुटित हो जाए, और सिर्फ देख के ही मत वापस आ जाना। जितने वक्त के लिए आप सहजता से उससे आंखें मिला सको, मिलाना, अपने पति देव चंद्रमा को तो बाद में देख लेना, लेकिन आज का ये चंद्रमा फिर एक वर्ष बाद आएगा। पति तो आपको उपलब्ध है, इस चंद्रमा से आंखें मिला लेना, जितनी देर मिला सको उतने ही तरंगे आपके भीतर प्रविष्ट कर जाएंगी, बड़ी अमूल्य करने हैं। इन किरणों को पीना, और जिस ढंग से मैंने कहा उस ढंग से आप अपनी मान्यताएं मान लेना। ये कल्प वृक्ष है, आज के चंद्रमा की ये किरणें कल्प वृक्ष है, इनसे मांगना जो मांगना चाहते हो। बच्चे मांग सकते हैं, मन वांछित वस्तु मांग सकते हैं, मन वांछित वर ही न मिलेगा, सिर्फ मन वांछित वस्तु भी मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना आप, ये खोजें बता रहा हूं आपको, मैं दूसरे अनुभवों से बता रहा हूं आपको।
ज्यादा बातों को लंबी ना करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप जो भी मांगोगे और जो भी व्यक्ति मांगेगा, यहां पात्र कुपात्र का कोई अर्थ नहीं। चंद्रमा के आगे कोई भी व्यक्ति मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, उसे अवश्य मिलेगा। आम दिनों के लिए दुर्लभ वस्तुएं हैं वो भी मिलेंगी। देखिए आजमाइए, अवश्य आजमाइए, अनुभूत है। मैंने बहुत से व्यक्तियों को पहले ये बताई, लेकिन क्योंकि मैं तब YouTube चैनल से नहीं बोला करता था, आज पहली बार YouTube चैनल से मुझे करवा चौथ के ऊपर बोलने का ये मौका मिला है, तो बहुत से अनुभूत है ये प्रोसेस, मैंने आजमा के देखी है। और किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन आप आजमाइश करके मेरी बातों पे यकीन मत करें, मेरी बातों को आजमाएं और आप देखें कि आपकी इच्छा पूर्ण होती है कि नहीं होती है। किसी संत के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये चंद्रमा आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। इसके भीतर से निकलने वाली तरंगे आज कल्प वृक्ष का काम करेंगी। जरा आजमा के देखें। धन्यवाद।